रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच अब भी युद्ध जारी है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि यूक्रेन रूस के संघर्ष के समाधान के लिए ये अभी शुरुआती दिन है, क्योंकि अभी अनाज गलियारे, परमाणु मुद्दों और युद्धबंदियों के आदान प्रदान से संबंधित मामलों जैसी समस्याओं पर फोकस किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। लोग हमें एक मददगार देश के रूप में देखते हैं जिसकी अपनी लाइन है। हर संघर्ष का एक निश्चित बिंदु होना चाहिए जहां देश किसी न किसी तरह के समाधान के लिए तैयार हो। फिलहाल ज्यादातर समस्याएं अनाज गलियारे, परमाणु मुद्दों और युद्धबंदियों के आदान प्रदान जैसे मामलों से संबंधित है। अगर आप संघर्ष के समाधान पर विचार कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये संभवतः रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत शुरुआती दिन है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की बात करें तो पीएम मोदी ने मई के महीने में जापान के हिरोशिमा में G7 समिट से अलग यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। 2022 के फरवरी महीने में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने पुतिन के साथ साथ जेलेंस्की से कई बार बात की है। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में पिछले साल 16 सितंबर को पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी पीएम मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। भारत की नीति साफ है, वो रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान वार्ता और शांति के जरिए करना चाहता है और वो इस बात पर अडिग है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।